सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई फूड रिव्यू की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं अपना व्लॉग लेकर आई हूँ। गाइस, मैं ज़ू विज़िट करने गई थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो ये रास्ते का व्यू है, वॉल्स पर हमारी सिटी में काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। तो गाइस, ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ज़ू। वहाँ टिकट काउंटर है और यहाँ मेन एंट्री है। व्यू तो आप देख सकते हैं यहीं से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम चले टिकट काउंटर पे टिकट लेने और हम एंट्री कर गए अंदर। तो सबसे पहले हमने इतना ब्यूटीफुल फाउंटेन देखा, उसके बाद हम आगे चले। आगे चल के सबसे पहले अलेक्जेंड्रीन पैराट्स आए हमारे को हमारी आंखों के सामने। तो गाइस, मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। आप देख सकते हैं दोनों तरह के ये पैराट्स हैं, फीमेल भी है और मेल भी है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। और गाइस, हम आगे गए तो एक अलग तरह की ये बर्ड थी जो कि बहुत ही एंग्री थी। और ये व्यू तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और ऊपर देखिए आप, मंकी भी बैठा हुआ है। मंकी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। तो गाइस, हम आगे चले तो आगे देखा हमें पीकॉक, माई फेवरेट बर्ड, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया गाइस। तो गाइस, इतना ब्यूटीफुल लगा। और थोड़ी ही देर में जब हम जाने लगे तो पीकॉक ने क्या किया गाइस, अपने पंख फैला लिए। और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये व्यू लग रहा था जो कि हमने नॉर्मली यूट्यूब की वीडियोस वगैरह में देखा है, वो आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। ये व्यू देखकर तो मज़ा ही आ गया। तो आगे चले तो हमने आगे देखा ये ऑस्ट्रिच। तो गाइस, ये काफ़ी छोटी बेबी थी जब ये आई हुई थी पहले, तो अब ये काफ़ी बड़ी हो गई है। इसे देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये। तो आगे चले तो मैंने अपना फियर देखा गाइस। यस, आई फियर क्रोकोडाइल द मोस्ट। तो ये था एलिगेटर, तीन एलिगेटर से बराबर में ही गाइस, तीन ही क्रोकोडाइल्स थे ऑलमोस्ट। तो गाइस, बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहे थे देखने, ऐसे लग रहे थे स्टैच्यूज थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सीधे ही लेटे हुए थे। उससे आगे चल के हमने एक्सप्लोर किया तो गाइस, ये हिमालयन वल्चर था जो कि टू थे इन नंबर। मैं थोड़ा आगे गई जिससे व्यू अच्छा दिखे, तो ये देखे गाइस, ये दो बैठे हुए थे। तो हम उससे आगे गए तो गाइस, मिल गया हमको क्या, द स्नेक जोन। आई फियर द स्नेक द मोस्ट। तो हम अंदर चले, थोड़ा मैं डरते डरते जा रही थी लेकिन फिर भी मैं गई अंदर। और तो मैंने देखा पाइथन, तो बहुत डर लग रहा था गाइस, ऐसा लग रहा था कि कहीं ये बाहर ना आ जाए मिरर से निकल कर। वो देखिए गाइस, कितना डेंजर है। तो ये दो पाइथन थे, साथ में एक ये रहा। और गाइस, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया एक वो रहा, बहुत ज़्यादा डेंजर थे और एक ही जगह बैठे हुए थे। तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने स्नेक्स की फ़ोटो लगाई हुई है और उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इनके नेम्स और उनके बारे में थोड़ा बताकर। उससे आगे चले तो हमें और तरह तरह के रेप्टाइल्स देखने को मिले हैं। तो देख सकते हैं कुछ रेप्टाइल्स दिख रहे थे तो कुछ अंदर छिप के बैठे हुए थे। तो ये भी पाइथन ही था और ये पाइथन की दूसरी ब्रीड थी जो कि रेटिकुलेटेड पाइथन बोला जाता है। और उससे आगे हम गए तो ये कि येल्लो स्नेक दिखा, ये भी काफ़ी डेंजर था और ये भी अपनी जगह ही बैठा हुआ था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था गाइस ये। और जब हम स्नेक जोन से बाहर आए तो ये दूर से हमें बहुत ही ज़्यादा आई प्लीजिंग व्यू दिखा जो कि ट्री के पास था। तो हम सोचने लगे ये क्या है, तो करीब जाके देखा तो ये प्लास्टिक बॉटल्स के थ्रू बनाया हुआ था। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट। तो अफ्रीकन ग्रे पैरट देखने के बाद हम गए मकाओ देखने। मकाओ दो तरह के थे, एक येल्लो और एक रेड थे गाइस। काफ़ी एनिमल्स एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए थे पार्क जोन में, जाके बच्चों के लिए झूले लगाए हुए थे काफ़ी सारे। तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, झूला झूल रहे थे, बहुत काफ़ी खुश दिख रहे थे। और ये व्यू तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। अगर आप भी कभी देहरादून आए या अगर आप देहरादून में रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप देहरादून ज़ू ज़रूर विज़िट करें। और तो ये गाइस, ब्लॉग ख़त्म होता है यहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब।